ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से सेट किया है मैंने इस गुड़ मूंगफली कचक को, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी क्रंची है। तो जो मार्केट वाली गुड़ मूंगफली कचक होती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है हमारी ये गुड़ मूंगफली कचक। नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता चौधरी ओम साई राम फूड किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई गुड़ मूंगफली गज्जक की बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये मूंगफली गुड़ गज्जक बहुत ही टेस्टी लगने वाला है खाने में और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। मूंगफली गज्जक बनाते टाइम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सब बातों को मैं इस रेसिपी में आपको बताने वाली हूँ। तो आप जरूर देखेगा मेरी इस रेसिपी को और बनाइएगा बहुत ही आसान तरीके से मूंगफली गुड़ गज्जक। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मूंगफली कचक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है गुड़। गुड़ की जगह शक्कर भी ले सकते हैं। मैंने गुड़ को चाकू से बारीक बारीक काट लिया है। और एक बाउल लिया है मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने, थे मूंगफली के कच्चे दाने हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच देसी घी। दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारे मूंगफली के दाने हैं इनको भून करके इनके छिलके निकाल करके इन्हें तैयार करेंगे, उसके बाद हम कचक बनाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म कर लिया है और कढ़ाई में डाल दिए मूंगफली के दाने। तो अब हम कर देंगे गैस फ्लेम को मीडियम। मीडियम गैस फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए हम मूंगफली के दानों को अच्छे से भून लेंगे। तो हम यहाँ पर मूंगफली के दानों को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दोस्तों हमने मूंगफली को लगभग 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लिया है। और देखिए जो मूंगफली के दाने हैं उनसे जो छिलके हैं वो निकलने लग गए हैं, ये देखिए। तो अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और थाली में डाला है मैंने कॉटन का कपड़ा, और इसमें डालूंगी मैं ये मूंगफली के दाने। तो इन्हें अब थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इनके छिलके निकालेंगे। दोस्तों जो हमारे मूंगफली के दाने हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो हम ऐसे हाथ से थोड़ा रब कर देंगे इनको, थोड़ा मसल देंगे और कपड़े की एक पोटली बनाएंगे। और इस तरीके से पोटली को पकड़ करके हाथ से मसलेंगे तो बहुत ही जल्दी छिलके निकल जाएंगे हमारी मूंगफली के दानों से। तो देखिए जो हमारे मूंगफली के दाने हैं उनसे जो छिलके हैं बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हम थोड़ा बाउल से यहाँ भी क्रश कर लेंगे। तो हमें अब मूंगफली से जो छिलके हैं इन्हें अलग करना है, तो मैंने थाली में डाल देती हूँ। और इस तरीके से मैं सारे जो छिलके हैं उन्हें अलग कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारे जो मूंगफली के दाने हैं बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो मैंने ये पॉलिथीन ली है। जब हम बच्चों के कपड़े मार्केट से लाते हैं तो बच्चों के कपड़ों में ये वाली पॉलिथीन आती है। मैं इस वाली पॉलिथीन पर हमारी जो मूंगफली गज्जक है उसे जमाऊंगी। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देती हूँ मेल्ट करके। तो आप यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर स्टील की थाली या प्लेट के ऊपर भी आप इस गज्जक को जमा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर स्टील की थाली या प्लेट के ऊपर देसी घी नहीं बल्कि आपको रिफाइंड ऑयल लगाना होगा। रिफाइंड ऑयल से बहुत ही जल्दी हमारी जो गचक होती है वो निकल जाती है, बहुत ही आसान होता है निकालना उसे। देसी घी अच्छे से ग्रीस कर दिया है हमारी इस पॉलिथीन के ऊपर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फिर से वही कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच देसी घी। दोस्तों यहाँ पर देसी घी मेल्ट हो चुका है, तो अब डालूंगी यहाँ पर मैं गुड़। दोस्तों मैं यहाँ पर पानी का यूज नहीं करूंगी, घी से ही जो हमारा गुड़ ऐसे मेल्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर गैस फ्लेम को हमें लो रखना है और लो गैस फ्लेम पर मैं लगातार चलाती रहूंगी तो जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। दोस्तों लगभग 2 मिनट में हमारा जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप गैस फ्लेम लो रखें और धीरे धीरे से चलाते रहें तो उससे हमारा जो ये चाशनी है वो खराब नहीं होगी।
जलेगी नहीं और बार बार इसे चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बताऊंगी आपको वैसे वैसे करना है। मैंने एक चम्मच घी पहले डाला था और एक चम्मच घी मैं अभी डालती हूँ। दोस्तों जो हमारी मूंगफली कचक होती है उसके अंदर जो एक चमक रहती है वो घी से ही आती है, तो इसलिए हमें घी डालना जरूरी है। दोस्तों जैसे ही हमें लगे कि चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है और चाशनी का कलर चेंज होने लग जाएगा तो तभी हमें चेक करना है, बार बार चेक नहीं करना है। देखिए जो हमारी चाशनी है वो थोड़ी पफी हो गई है और थोड़ा हाथ चलाते हुए भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल पानी, यहाँ पर मैंने स्टील के बाउल में पानी लिया है और इसमें डालूंगी थोड़ी सी मैं चाशनी। चाशनी को डालना है और थोड़ा ठंडा करना है और ध्यान है लगातार हमें चाशनी को चलाते भी रहना है वहाँ पर। तो एक दो सेकंड में जो हमारी चाशनी है वो ठंडी हो जाएगी और देखिए जो चाशनी है ना उसे बाउल में हमें ऊपर से डालते हुए एक आवाज आ रही है, तो हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। और दूसरा तरीका होता है चाशनी को हमें हाथ से तोड़ना है, तोड़ने से टूट रही है ये देखिए, हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब डालेंगे इसमें मूंगफली के दाने, मूंगफली को दाने डाल करके हम मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है। और दोस्तों जैसे ही मूंगफली के दाने अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी इस चाशनी में तो इसे फैला देंगे हम हमारी पॉलिथीन पे या बटर पेपर पे, जहाँ भी हम हमारी गच्चक को सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्टील के बाउल के ऊपर घी लगा करके और जो हमारी गच्चक है उसे अच्छे से फैला देंगे या फिर बेलन से भी फैला सकते हैं। हम जितना पतला करना चाहते हैं अपनी गच्चक को उतना पतला यहाँ पर फैला देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी करनी है हमें क्योंकि जो गच्चक होती है वो जमने लग जाती है। दोस्तों हमने यहाँ पर गच्चक को सेट करने के लिए रख दिया है, अभी बहुत गर्म है तो हमें गर्म गर्म में ही क्या करना है, एक पिज़्ज़ा कटर लेना है या फिर चाकू से भी कर सकते हैं और कट के निशान लगा देने हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो गच्चक होती है वो अच्छे से कट नहीं पाएगी पीसेस में। तो हम इसे अब ठंडा कर लेंगे, अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसके पीसेस को निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। तो गच्चक को सेट किए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये पीसेस को निकालते हैं। तो यहाँ पर पीसेस को निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि मैंने इसे एक पॉलिथीन के ऊपर सेट किया है। दोस्तों देखिए हमारी यहाँ पर मूंगफली और गुड़ वाली गच्चक बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है इसे। ये देखिए दोस्तों हमारी जो गच्चक है बहुत ही आसान तरीके से टूट रही है। ये देखिए दोस्तों मेरी बेटी भी तोड़ के दिखा रही है आपको। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी बताइएगा जरूर। धन्यवाद।